स्पॉन्सर कर रहा है, उसका रीज़न यही था। हम लोग चाह रहे थे कि आचार्य पवन, जैसा कि बता रहे हैं कि लास्ट 18 ईयर्स से वो इस तरीके के सेशन ले रहे हैं और मोर देन 1800 सेशन डिफरेंट सिटीज़ डिफरेंट स्टेट में ले चुके हैं। बट लास्ट मंथ ही हम लोगों ने डिसाइड किया कि पटना में भी बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, विद्या मंदिर के साथ अटैच हैं, और जो नहीं भी है उनके लिए हम एक ऐसा सेशन करें जिसमें वो इन 5 पॉइंट्स को, स्मार्ट एजुकेशन को, अगर इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ, COVID-19 का हमारे लर्निंग एप्टीट्यूड के ऊपर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, और जब हम किताब लेके पढ़ने के लिए बैठते हैं तो किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हम फेस करते हैं और उसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं, आज के टॉपिक का थीम है। आई हैव कंडक्टेड वर्कशॉप इन मोर देन 1800+ स्कूल्स और मेरा जो कंटेंट है मैं लगभग 80+ DAV स्कूल्स में डिलीवर कर चुका हूँ। लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा बच्चों से मैं अभी तक बात कर चुका हूँ, लेकिन कमाल की बात है कि मेरा कंटेंट हर बच्चे के लिए उपयोगी नहीं होता, कुछ बच्चों के लिए वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। तो यहाँ पर आपके बैठने के तरीके और आँखों के मूवमेंट से मैं ये अंदाज़ा लगाने का प्रयास करूँगा क्या किसी बच्चे का मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ, और मैं ये गुनाह नहीं करना चाहता। तो हो सकता है कि मैं अपनी क्लास में से कुछ बच्चों को बीच बीच में सेल्फ स्टडी के लिए क्लास रूम में भेज दूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी बच्चे का समय बर्बाद हो, क्योंकि कोविड ने वैसे ही हमारा बहुत समय बर्बाद कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है जो सबसे इधर कॉर्नर पर लड़का बैठा होगा, पहले नंबर पहली बात कर लेंगे हम, अविनाश, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में जितने भी लिसनर होते हैं दे फॉलो 3 काइंड ऑफ लिसनिंग पैटर्न्स। या तो कॉन्शियस लिसनर पाया जाता है इस दुनिया में, या पार्शियल कॉन्शियस, या फिर अनकॉन्शियस। अविनाश, मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, जितने भी लिसनर्स होते हैं, दे ऑलवेज फॉलो 3 काइंड ऑफ लिसनिंग पैटर्न। वेदर यू फॉलो कॉन्शियस लिसनिंग पैटर्न और पार्शियल कॉन्शियस लिसनिंग पैटर्न और अनकॉन्शियस लिसनिंग पैटर्न, अगर किसी कंटेंट को सुनते वक्त, चाहे वो सॉन्ग हो, स्टोरी ऑफ अ मूवी हो, टीचर का लेक्चर हो, किसी कंटेंट को सुनते वक्त आपके मन के विचार उसी कंटेंट से रिलेटेड होते हैं, तो आप कॉन्शियस लिसनर हैं। किसी कंटेंट को सुनते वक्त अगर आपके मन के विचार बीच बीच में कंटेंट के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन बीच बीच में आपकी मन की आंखें लंच बॉक्स के दर्शन करने के लिए भी चली जाती हैं और फिर से दोबारा से कंटेंट के ऊपर आ जाती हैं, आप कौन से लिसनर हो जाते हैं? और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं क्लासरूम में जो बड़े गौर से टीचर की तरफ और बोर्ड की तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन उनकी मन की आंखें वहां पर नहीं होती हैं। जब मैं यहां पर आया, आई हैव स्टार्टेड ऑब्जर्विंग कि यहां पर किस तरह के लिसनर बैठे हुए हैं, और आज मैं 40 मिनट के सेशन में ये सिद्ध करके जाऊंगा कि बहुत से स्टूडेंट्स इस गलत फहमी में जीते हैं कि उनका दिमाग कमज़ोर होता है इसलिए वो पढ़ाई को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। आज मैं 40 मिनट के सेशन में ये सिद्ध करके जाऊंगा कि असली गुनहगार दिमाग नहीं होता, असली गुनहगार कान होता है। अविनाश, खड़े हो जाइए। मैंने कितने स्कूल्स में वर्कशॉप किया है, आप इसका जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि मुझे श्राप मिला है कि जिससे मैं पूछूंगा वो जवाब नहीं दे पाएगा। मैं आपकी आंखों के मूवमेंट से पता लगा लूंगा कि कौन कौन कॉन्शियस लिसनर है, कौन कौन पार्शियल कॉन्शियस लिसनर है, और कौन कौन अन, और मैं अपनी रिसर्च को यहाँ पे सिद्ध करके जाऊँगा लर्निंग आउटपुट इज कॉन्क्रीट टू आर लिसनिंग पैटर्न। हम इस गलत फहमी का शिकार हैं कि शायद हमारा दिमाग कमज़ोर है इसलिए मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों का। असल बात यह है कि क्लास में शायद 60 to 70% मैं मटेरियल की सप्लाई नहीं करता। अभी मैं किसी बच्चे से ये भी पूछने वाला हूँ मैंने कितने DAV स्कूल्स में किया हुआ है, मैंने चुन लिया है कि मुझे किन किन बच्चों से पूछना है, इसलिए ये मत सोचिए कि 40 मिनट यहाँ पर बैठकर ये कुछ ही मनाते रहेंगे, थैंक गॉड मैथमेटिक्स का पीरियड बच गया, ऐसा नहीं होने वाला। You would have to be conscious listener. Thanks.
चलिए शुरू करते हैं, कहानी से शुरू करते हैं। कहानी है पीटर। पीटर 11th क्लास नॉन मेडिकल का स्टूडेंट है। एक शाम को 7 बजे फुटबॉल का मैच देखते हुए पीटर को ऐसा लगता है कि उसे अपना करियर फुटबॉल में बनाना चाहिए। ही गॉट इम्प्रेस फ्रॉम रोनाल्डो। रोनाल्डो ने उसे 7 गोल दिए थे। ही वेंट टू हिज फादर एंड आस्क्ड, पापा आई चेंज्ड माय डिसीजन, नाउ आई डोंट वांट टू बी एन इंजीनियर, आई वांट टू बी अ व्हाट, आई वांट टू बी अ। पिता का नाम है इस कहानी में मजबूर सिंह। क्या नाम है? मजबूर सिंह। मजबूर सिंह कहता है, 3 महीने पहले तू कह रहा था कि मुझे इंजीनियर बनना है, मैंने शहर के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट में तेरा दाखिला कराया, मेरे पास पैसे नहीं थे, जैसे तैसे मैंने पैसों की व्यवस्था की, नाउ यू आर टेलिंग दैट आई डोंट वांट टू बी एन इंजीनियर, आई वांट टू बी अ। पिता थोड़ा नाराज, और सुने अंजलि, पिता थोड़ा सा नाराज हो रहा था। उसकी ऊंची आवाज को सुनकर किचन से अंजलि माँ भागते हुए आई और बच्चे का पक्ष लेकर बोली, क्यों चिल्ला रहे हो, ये 3 महीने पहले इंजीनियर बनना चाहता था, मेरे पैसे इसमें लगवा दिए और अब कह रहा है मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी, मैं तो फुटबॉलर बनना चाहता। पिता उस दिन वास्तव में बहुत नाराज था। माँ कहती है, तू चिल्ला क्यों रहे हो इतने जोर से, अगर गलती करेगा तो चिल्लाऊंगा नहीं, पिता ने ऊंची आवाज में कहा। तो माँ कहती है, फिर चिल्ला लो, थोड़ी देर के बाद गुस्सा हो जाएगा, फिर खाने की थाली लेके पीछे घूमते रहना, बेटा खाना खा ले, और बेटा कहेगा मुझे नहीं खाना, इसलिए उस पिता का नाम है मजबूर सिंह। और अविनाश ऐसे मजबूर सिंह हमें आजकल कई घरों में देखने को मिल जाते हैं, जिनके माता जिनके बच्चे उन्हें अपनी इच्छाओं के इशारों के ऊपर नचा रहे होते हैं, या मैं कहूँगा मूर्ख बना रहे होते हैं। मजबूर सिंह ने अंजलि मजबूरी में कहा, क्या करना है मुझे बताओ, मैं शहर की सबसे बड़ी फुटबॉल क्लब को ज्वाइन करना चाहता हूँ। अगले दिन पीटर अपने पिता के साथ शहर की सबसे बड़ी फुटबॉल क्लब के कोच ईमान सिंह के आप खड़े हो जाइए, मास्क वाला बन जाओ, इधर जी, आदित्य जो रोनाल्डो था उसने कितने गोल किए थे, 7, बी हियर आदित्य, और ऊंचा होके बैठो, मुझे दिखाई देनी चाहिए आपकी आंखें। अगले दिन मजबूर सिंह अपने कोच अपने बच्चे को लेकर कोच ईमान सिंह के पास मिलने के लिए पहुंचा। ईमान सिंह से मजबूर सिंह कहता है, मेरे बच्चे का सपना है फुटबॉलर बनना, प्लीज अलाउ माय सन टू जॉइन योर क्लब। अब आदित्य ईमान सिंह की हर बात को बड़े गौर से सुन रहा, क्योंकि आदित्य ये बात तो मजबूर सिंह से नहीं, शायद हम सब से करना चाह रहा है। जोर जोर से हंसने लगता है, कटाक्ष वाली हंसी, सटायरिक हंसी, टोन को भी पकड़ने की कोशिश करना। खिड़की की तरफ इशारा करता है और कहता है, मजबूर सिंह देखो बाहर कितने बच्चे दौड़ लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं फुटबॉलर बनने के लिए। आदित्य जिस रेस में आप दौड़ रहे हैं, लाखों कदम हर दिन आपके किस वक्त भी आपके कदमों को हराने का प्रयास कर रहे हैं। मजबूर सिंह, लेकिन ये बच्चे जो दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं, ये अपने सपने की वजह से दौड़ लगा रहे हैं क्या? पता है मजबूर सिंह, 10 कोच लगा रखे हैं छड़ी लेकर इनके पीछे, और जैसे ही इन्हें मालूम चलता है कि आज कोच छुट्टी पर है, इनका सपना डाइल्यूट हो जाता है। मजबूर सिंह, आजकल के बच्चे अपना सपना बड़ा चढ़ाकर बताते हैं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, लेकिन उस सपने को साकार करने के लिए जब मेहनत करने की बारी आती है अविनाश, तो शायद हम
आगे कदम पीछे की तरफ। मजबूर सिंह, आई कैन नॉट अलाउ योर सन टू ज्वाइन माय क्लब क्योंकि मेरे क्लब में पैर रखने के लिए जगह नहीं है। आदित्य, मजबूर सिंह कहता है नहीं नहीं मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, ये अगर कोई बात ठान लेता है तो उसे पूरा करके दिखाता है। वही बच्चा जो 3 महीने पहले इंजीनियर बनने की था। समझ सकते हैं कि आपके माता पिता कितना आपका पक्ष लेते हैं। मेरा बच्चा सबसे अच्छा। ईमान सिंह कहता है मुझे 25 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे मालूम है कौन कितने पानी में है, मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, मेरे ग्राउंड में पैर रखने के लिए जगह नहीं है, इसलिए आई कैन नॉट अलाउ योर सन टू ज्वाइन माय क्लब। अंजलि, मजबूर सिंह कहता है मैं दुगने पैसे दूंगा। वही पिता जो कल कम पैसे होने की आदित्य अविनाश दुहाई दे रहा था, वही आज कह रहा था कि मैं दुगने पैसे दूंगा। आदित्य, पेरेंट्स कैन डू एनीथिंग फॉर देयर सन और डॉटर। आदित्य, अगर आप भी अपने परिवार का पिछले 10-12 साल का इतिहास देखेंगे तो नजर आएगा कि आपके चेहरे पे एक मुस्कान लाने के लिए ना जाने कितनी कुर्बानियां दी गई हैं। और आदित्य, ये भी कमाल की बात है कि जब हम 10th क्लास में आते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारे पेरेंट्स 35 या 40 क्रॉस कर रहे होते हैं। हल्की सी बीमारी की दस्तक शुरू हो जाती है और हमारा फर्ज होता है कि उनकी फिक्र को कम करना। अविनाश, लेकिन हम उनकी फिक्र को बढ़ाते हैं। अविनाश वही माँ जिसने 9 महीने कोक में रखा, हमारे चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए ना जाने कितना सुना कितना सहा। और अविनाश, अगर वही माँ आज थोड़ा सा डांट देती है, सही बात कह देती है, तो हम उसे तेज आवाज में दबाने के लिए लग जाते हैं। क्या उन्होंने ये सब इसलिए किया था? मैं दुगने पैसे दूंगा, मजबूर सिंह ने कहा। ईमान सिंह ने गुस्से में कहा, क्या मुझे बेकाऊ समझ रखा है? मैंने एक बार कह दिया कि मेरे ग्राउंड में पैर रखने के लिए जगह नहीं है, देन हाउ आई वुड अलाउ योर सन टू जॉइन माय क्लब। अविनाश के बगल वाला बच्चा, क्या नाम है आपका जी? खराब नाम है, शर्मा आती है बताने में? नहीं आती तो जोर से बोलो। अगर बहुत गंदा नाम है, शर्म आती है, तो धीमे बोलो। अगर अच्छा नाम है, गर्व है, तो जोर से बोलो। ध्रुव, ओके ध्रुव, ये सारी की सारी बातें पीटर के इसके साथ सामने ही हो रही थी। ध्रुव, ध्रुव अच्छा, ईमान सिंह को कितने साल का एक्सपीरियंस है बता पाओगे? 25 साल का। ओके ध्रुव, ये सारी की सारी बातें पीटर के सामने हो रही थी। ध्रुव, पीटर हाथ जोड़ के गुजारिश करता है कि एक मौका मुझे दे दो सर, प्लीज। अगर आप मुझे एक मौका दे देंगे, मैं अपने आप को साबित करके दिखाऊंगा। ध्रुव, ये भी सच्चाई है कि बच्चा कितना भी दंड क्यों ना बना रहे, अगर टीचर से गुजारिश करता है, अगर वो गुजारिश सच्चे दिल से होती है, तो उसकी बात को सुना जाता है। पीटर, आई अलाउ यू टू ज्वाइन माय क्लब, लेकिन मेरे क्लब का ध्रुव एक दस्तूर है, एक सिलेक्शन प्रोसीजर है। 1 महीने बाद एक मैच होना है, 11 बजे वो मैच शुरू होगा। पीटर, तुम्हें वो मैच पूरा का पूरा खेलना है। 90 मिनट यू हैव टू स्पेंड इन द ग्राउंड। अगर 90 मिनट पूरा का पूरा मैच खेल लेते हो, देन आई अलाउ यू टू ज्वाइन माय क्लब। अगर बीच में थक कर हट जाते हो, देन आई वॉन्ट अलाउ यू टू ज्वाइन माय क्लब। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपसे कुछ पूछने वाला हूँ, ठीक है? समझ गए ना क्यों पूछने वाला हूँ? अलाउ माय क्लब। पीटर खुश होता है अविनाश, क्योंकि वो गली का फुटबॉलर था, उसे लगता है वो खेल लेगा। लेकिन ईमान सिंह को, जैसा ध्रुव ने बताया, कितने साल का एक्सपीरियंस था, वो देख के पहचान जाता था कि हाँ, ये इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ स्टेमिना है कि ये खेल पाएगा या नहीं। जैसे हमारे DAV स्कूल के टीचर्स पहचान जाते हैं कि कितने नंबर ला सकता है ये बच्चा। अगर इसकी इच्छा और ज़्यादा नंबर लाने की है, तो इसे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्सपीरियंस से टीचर एक फॉर्मूला बना लेता है।
जो फॉर्मूला मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उस वक्त उस फॉर्मूले के अनुसार पीटर से ईमान सिंह कहता है, पीटर इफ यू रियली वांट टू जॉइन माय क्लब देन यू वुड हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ, यू वुड हैव टू वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ ऑन योर स्टैमिना। पीटर पूछता है ध्रुव मुझे क्या करना है। एक और हमारा ग्राउंड है जो यहाँ से ठीक 4 किलोमीटर दूर है मीटर, उस ग्राउंड में कोई कोच या असिस्टेंट कोच नहीं है, वहाँ जाके थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। पीटर पूछता है किस तरह की प्रैक्टिस करनी है। 800 मीटर का ग्राउंड है, रोज 10 चक्कर लगाने हैं। मुझे लगता है पीटर अगर 8 किलोमीटर चक्कर लगाओगे तो निश्चित तौर पर एक महीने में इतनी स्ट्रेंथ स्टेमिना बढ़ जाएगी कि 90 मिनट आप ग्राउंड में गुजार दोगे। पीटर के अंदर डर, क्या नाम है बेटे आपका? जी आयुषी। पीटर के अंदर डेडिकेशन था, अगले दिन सुबह 5 बजे ग्राउंड में पहुंच गए, कोई कोच नहीं था इसलिए अपनी सेल्फी ली, कोच ईमान सिंह को सेल्फी भेजी, आई हैव रीच्ड द ग्राउंड गोइंग टू स्टार्ट माय रन राउंड आयुषी, और 10 चक्कर लगाए। 1 महीने तक लगातार 10 चक्कर लगाए। 1 महीने बाद मैच शुरू हुआ। आयुषी कितने बजे? आप नहीं बता पाए या इसे दिमाग पर जोर नहीं दो, क्योंकि लर्निंग आउटपुट इज कॉम्बियन टू आर, और उसी वक्त मैंने बता दिया था कि मैं कुछ पूछ नहीं आ रहा, क्योंकि उस वक्त आप पार्शियल कॉन्शियस लिसनर बन गए। दिमाग को दोष नहीं देना है कि जवाब नहीं देता, कान को देना है कि मटेरियल की सप्लाई नहीं की उसे, समझो आयुषी साइंस। कितने बजे मैच शुरू हुआ? 11 बज के आयुषी 20 मिनट पे पीटर थक कर गिर गया। ईमान सिंह को यकीन नहीं हुआ, फॉर्मूला बताने वाला हूँ, ईमान सिंह को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि ईमान सिंह ने वर्क और रिजल्ट में क्या रेशो होता है वो फॉर्मूला बना लिया था। उसे मालूम था कि अगर 8 किलोमीटर लगातार 1 महीने तक कोई दौड़ लगाता है तो 90 मिनट ग्राउंड में गुजार। जैसे हमारे टीचर, अगर कोई इतना पढ़ता है तो वो IIT बन जाता है, इतना पढ़ता है तो वो नीट क्वालिफाई कर लेता है, तो वो अक्सर हमें बताते रहते हैं कि अगर ज़्यादा हासिल करना है तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ध्रुव उस दिन पीटर केवल 20 मिनट के बाद थक कर गिर गया। ईमान सिंह को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि ईमान सिंह के फॉर्मूले के अनुसार उसका फॉर्मूला चीख चीख के कह रहा था कि इसने शायद 8 किलोमीटर चक्कर नहीं लगाए। ईमान सिंह ने पीटर को अपने पास बुलाया और पूछा, ध्रुव पीटर आदित्य Did you used to go to the ground? Peter replied, Yes, sir. झूठ बोल रहे हो ना? थोड़ा दबाव दिया, जोर दिया सच को उगलवाने के लिए। आदित्य, जब भी हम कुछ गलत करते हैं या कम मेहनत करते हैं तो टीचर थोड़ा सा दबाव पैदा करते हैं, जिससे उनकी इच्छा ये होती है कि हम सच को स्वीकार करें और नई शुरुआत करें। ये नहीं होती कि वो हमसे जलते हैं इसलिए हमें डांटते हैं, ये बिल्कुल चाहते हैं कि आप सच को स्वीकार करें या उसके बाद नई शुरुआत। आयुषी, पीटर डिड यू यूज्ड टू गो टू द ग्राउंड? पीटर रिप्लाइड, यस सर। झूठ बोल रहे हो पीटर? सर काइंडली चेक योर फोन, मैं तो आपको व्हाट्सएप भी करता था। आई रीच द ग्राउंड गोइंग टू स्टार्ट माय राउंड। ईमान सिंह को यकीन नहीं हुआ, ईमान सिंह उसे उसी वक्त उस ग्राउंड में ले गए जो कितने दूर था, कितने मीटर का था, कितने चक्कर लगाने थे, कितने बजे पहुंचता था, 5 बजे यानी कितने बजे पहुंचता था, और कहा मेरे सामने चक्कर लगा के दिखाओ। अविनाश पीटर थे ग्राउंड के बीच में, सेंटर में एक जगह खड़ा हो गया और एक ही जगह खड़े होकर उसने 10 चक्कर लगा दिए। कैसे? मैं लगा के दिखा रहा हूँ। 1, 2 रोज 5 बजे पहुँच कर पीटर ऐसे मेहनत कर रहा था। शायद ऐसी ही मेहनत ऑनलाइन क्लासेस में हम कैमरे के सामने करते होंगे, क्योंकि 4 किलोमीटर दूर हमारा ग्राउंड, हमारा घर, लेकिन जब टेस्ट होता था तो नंबरों की बारिश हो जाती थी। कोई टीचर पूछता था, ध्रुव टी ब्लॉक का पहला एलिमेंट कौन सा है? ध्रुव तुरंत जवाब देने का था, मैडम
उस वक्त थोड़ा नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गया था। असल में ऑनलाइन टेस्ट में हमारे नंबर बहुत आ गए, लेकिन उस फॉर्मूले के हिसाब से उतने नंबर पाने के लिए जिस मात्रा में मेहनत की जानी चाहिए, उस मात्रा में मेहनत, जोर से बोलो, एक डिबेलेंस पैदा हुआ। और इस डिबेलेंस की वजह से अभी मिड टर्म में जब हम किताब के सामने बैठकर उसे पढ़ने का प्रयास कर रहे थे तो हमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस फेस करने। अविनाश पीटर को ईमान सिंह ने अपने पास बुलाया और कहा, मुझे ये नहीं पता सफल कैसे होते, आई डोंट नो हाउ टू बी सक्सेसफुल पर्सन, लेकिन इतना जरूर आदित्य यकीन है कि एक बच्चा अगर खुद से बेईमानी करना शुरू कर दे, आयुषी यार सभी के नाम ऐसे ही होते हैं क्या यहाँ पर, अंजलि, आयुषी, आदित्य, अविनाश, ध्रुव तू भी बदल ले तू भी कर ले आध्रुव पीटर मुझे ये नहीं पता ध्रुव सफल कैसे होते हैं, लेकिन इतना जरूर यकीन है कि अगर एक बच्चा खुद से बेईमानी करना शुरू कर दे, एक बच्चा नकल करके टेस्ट में पास हो जाए, एक बच्चा डिसिप्लिन में केवल तब रहे जब टीचर देखने वाला हो, नहीं तो डिसिप्लिन की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दे, तो ऐसा बच्चा सेल्फ डिसऑनेस्टी की कैटेगरी में आता है। और एक खुद से बेईमान बच्चा आज सफल नहीं। पीटर मुझे ये नहीं पता सफल कैसे होते हैं, लेकिन 25 साल का अनुभव ये चीख चीख कर मुझे बता देता है कि खुद से बेईमान बच्चा जीवन में सफल नहीं। आदित्य मैंने कहा लाखों कदम आपके कदमों को हराने का प्रयास कर रहे हैं, आदित्य दो कदम उसमें से हमारे लिए शायद, तो शायद हमें हराने के लिए भी थोड़ा काम कर रहे हैं, बारे में सोचना। पीटर, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ देन यू वुड हैव टू बी सेल्फ ऑनेस्ट। क्या होना पड़ेगा? जो स्मार्ट एजुकेशन के बारे में मैं आज आपसे डिस्कस कर रहा हूं उसमें एस जो लेटर है वो हमें बताता है कि अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हमें क्या होना पड़ेगा, सेल्फ ऑनेस्ट होना पड़ेगा। तो वो मसल हमें गिल्ट का भाव पैदा करती है कि नहीं नहीं ये गलत है। कोविड के समय ये मसल हमारी वीक हो गई है आयुषी। अब अंजलि पता क्या होता है, अगर हम कुछ गलत करते हैं और हमें कोई नहीं पकड़ पाता तो हम अपने आप को हीरो समझते हैं, देखा कमाल। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाना कि वो मसल वीक हो चुकी है और वो वीक मसल ध्रुव परिवर्तित नहीं होने देगी। हाँ 60-70 बच्चों में चेंज आएगा, चेंज जरूर आएगा, लेकिन केवल 3 दिन के लिए। 3 दिन तक तो आग लगा देंगे, उसके बाद आग के ऊपर पानी गिर जाएगा, सुनने से परिवर्तन नहीं आएगा। उस मसल को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? तो उस मसल के लिए मैं आपको एक एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। 21 टाइम्स यू हैव टू रिपीट दैट एक्सरसाइज, 21 बार आपको वो एक्सरसाइज करनी है। वीकली एक्सरसाइज है, वीक में केवल 1 दिन करनी है। कब करनी है? केवल 1 दिन। आप करेंगे मंडे वाले दिन। कब करेंगे? मंडे। इज इट ओके? 21 मंडे करना है। वीकली एक्सरसाइज है तो केवल मंडे वाले दिन करनी है, 21 मंडे करना है। उस मसल को स्ट्रॉन्ग करने में 3 दिन नहीं, कम से कम 5 महीने का समय लगेगा। कितना? 5 महीने। 21 मंडे वो एक्सरसाइज करनी है। उस एक्सरसाइज का नाम है सेल्फ ऑनेस्टी फास्ट। क्या नाम है? एक दिन हमें खुद से ईमानदार बनने का व्रत रखना है। एक दिन हमें इस स्कूल के नियम कायदे कानून, भारत के संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन और माता पिता के द्वारा सिखाए हुए संस्कार, मेरे खुद के द्वारा खुद से किए गए कमिटमेंट कि मैं इतने बजे जागूंगा, इतना पढ़ूंगा, अगर वो मंडे वाला दिन है तो उसे थोरोली फॉलो करने का प्रयास करना। समझ में आ रहा ना मेरी बात? डिसिप्लिन में रहना है मंडे वाले दिन थोरोली, कोई टीचर देखने वाला हो या नहीं हो। मुझे ऐसा लगता है अंजलि, अगर 5 महीने इस तरह का हमने प्रयास किया तो 5 महीने के बाद अगर गलती करेंगे तो थोड़ा गिल्ट का भाव
इज इट ओके वीक में, क्योंकि ज़्यादा बोलूँगा तो ब्रेन अपोज करेगा, फिर से डिमोटिवेट, नहीं 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 गलत ऐसा करने कोई ऐसे चेंज हो जाए एकदम निर्मल बाबा की तरह आए समोसे के साथ नीचे दिमाग बहुत चला गया ना, थोड़ा सा काम दो उसे, ज़्यादा नहीं दो। अच्छा, ये ध्रुव के बाजू वाला लड़का क्या नाम है? विनीत, मैंने सर्वे किया था 2020 मंथ आपको बताना है। लर्निंग आउटपुट इज कॉन्ग्रुएंट टू आवर लिसनिंग पैटर्न, मैं आपके आँखों के मूवमेंट से पता लगा लेता हूँ कि मटेरियल की सप्लाई हुई है या नहीं हुई। साइंस को समझो थोड़ा सा कि क्लासरूम में मैं कितना मटेरियल की सप्लाई का डिफेक्ट कर देता हूँ और फिर घर पे जाके किताब के सामने जद्दोजहद करता रहता हूँ। इस साइंस को समझना पड़ेगा। वीएमसी के साथ मेरी रिसर्च है जिसमें मालूम चलता है विनीत कि अगर कॉन्शियस लिसनर होते हैं तो 16-17% घर पर कम मेहनत करनी पड़ती है पढ़ाई के लिए। इस साइंस को समझो। तो अभी एस का मतलब यहाँ से एस सेल्फ ऑनेस्ट नहीं करेंगे, अब एस का मतलब थोड़ा चेंज करेंगे। एस का मतलब है सेल्फ ऑनेस्टी फास्ट। क्या मतलब है? क्या मतलब है? क्योंकि जो आज का सेशन है स्मार्ट एडुकेशन, इसकी पंचलाइन है ज्ञान नहीं समाधान। ज्ञान पंचलाइन है। तो अगर मैं सेल्फ ऑनेस्ट विनीत अगर सेल्फ ऑनेस्ट बनने की बात कह के जाता तो ज्ञान हो जाता, लेकिन मैंने उसके लिए सॉल्यूशन एक स्ट्रेटेजी एक प्लानिंग आपको दी तो क्या हो गया? ये तो ये समाधान हो गया। चलिए आचार्य भवन, ये समझ में आ गया। अब एक और दिक्कत आती है कि आजकल जब किताब लेके पढ़ने के लिए बैठते हैं तो दिमाग में इधर उधर की बहुत बातें आती हैं, इधर उधर के थॉट्स बहुत चलते हैं। अच्छा, कितने बच्चे ईमानदारी से स्वीकार करना चाहते हैं कि जब वो पढ़ने के लिए बैठते हैं उनके दिमाग में बहुत जल्दी आई एम इम्प्रेस्ड। देखिए, पहले अंजलि में ये सवाल पूछता था कोविड से पहले, तो मैं बोलता था दिस इज कॉमन प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमम स्टूडेंट। अब लेकिन मैक्सिमम को किसी शब्द ने रिप्लेस कर दिया एवरी, दिस इज कॉमन प्रॉब्लम ऑफ हर दिन दो प्रोग्राम करता हूँ, लगभग सभी बच्चे हाथ उठाते हैं दिस इज कॉमन प्रॉब्लम ऑफ। इसके पीछे की साइंस को समझना पड़ेगा, ऐसा क्यों होता है। साइंस बोलती है अविनाश कि अगर हमारे आयन चुंबक की तरह नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ डायरेक्शनल होते हैं तभी हमारा पढ़ने में मन लगता है, और अगर हमारे आयन लोहे की तरह बिखरे हुए होते हैं तो बिखरे हुए आयनों वालों को किताब के पन्ने अपने सामने से भगा देते हैं। अगर आपका पढ़ने में मन लग रहा है तो समझ जाना कि आपके अंदर मैग्नेटिक वैल्यू ज्यादा है उसको। अगर आपके मन में इधर उधर के थॉट्स बहुत आ रहे हैं, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो समझ जाना कि लोहे वाले गुण उस वक्त आप में ज्यादा। कोविड के पहले हमारे अंदर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा थी, मैग्नेटिक गुण ज्यादा थे, कोविड के बाद शायद लोहे वाले गुण ज्यादा। ऐसा क्यों हुआ? ध्रुव हमें बताया जाता है मैग्नेटिज्म में कि अगर जमीन के अंदर हम लोहे को गाड़ देते हैं निश्चित दूरी पर गहराई पर तो पार्शियल मैग्नेट बना सकते हैं। एक रब वाली प्रोसेस भी होती है रबिंग करने से, मतलब जैसे चुंबक के ऊपर लोहे को रब करने से। इसी से याद आया ध्रुव कि हमने कोविड के समय अपनी चुंबक रूपी हथेली के ऊपर लोहा रूपी मोबाइल फोन बहुत ज्यादा रब किया, और कुछ बच्चे तो अभी भी लगे हुए हैं और रब करने से उनके आने वो कमिटमेंट के साथ बैठते हैं पढ़ने के लिए कि परसों टेस्ट है आज इस यूनिट को खत्म करके ही उठूंगा। 5 लाइनें पढ़ने के बाद अंदर से चीख की आवाज आती है कल का दिन भी तो पड़ा है अभी, आज क्या करेगा खत्म करके, क्योंकि बिखरे हुए आयनों वालों को किताब के पन्ने अपने सामने से भगा देते। काउंटिंग हो जाए तो समझ जाना कि आयन नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ डायरेक्शनल है, और अगर बीच में बंद हो जाए इसको अब साधारण काउंटिंग नहीं समझना कि बड़ी आसानी से हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा भी विचार आएगा थोड़ा सा भी इचिंग होगी तो काउंटिंग
बंद हो जाएगी बिकॉज दिस टाइप ऑफ काउंटिंग कॉल फोकस्ड काउंटिंग. क्या बोलते हैं इसे? विनीत तुमने नहीं बोला, क्या बोलते हैं इसे? फोकस्ड काउंटिंग. चलिए सभी बच्चे अपनी आंखों को बंद कर दें. जो बच्चे अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं वो जरूर करें, जिन्हें नफरत है वो बिल्कुल नहीं करें. हम नहीं चाहते नफरत करने वाला बच्चा आंखें बंद करे. अभी काउंटिंग करना शुरू नहीं करें, एक पोस्चर को डिसाइड कर लें जैसे भी बैठना चाहते हैं, क्योंकि 40 सेकंड तक मैं आपको फ्रीज कर दूंगा. एक पोस्चर को डिसाइड करें, अभी भी काउंटिंग नहीं करें, आंखों को बंद करके रखें. आंखों को बंद करने के बाद आपने खुद से बातें करना शुरू की हैं थोड़ी बहुत. वो खुद से होने वाली बातों को थोड़ा सा देखें कि आप क्या खुद से बातें कर रहे हैं इस वक्त. और अगर ये खुद से होने वाली बातों की मात्रा बहुत ज्यादा होती है तो समझ जाना कि आयन बिखरे हुए होते हैं. बिखरे हुए आयन स्ट्रेस, एंगर, एंजाइटी का कारण भी होते हैं. शरीर को स्थिर रखें, अभी काउंटिंग नहीं करें, अभी खुद से होने वाली बातों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें. शरीर को ना हिलाएं, शरीर को अभी से स्थिर रखने का प्रयास करें. Try to freeze yourself. और केवल खुद से जो बातें कर रहे हैं थोड़ी बहुत उसको देखें कि मैं खुद से क्या बातें करता हूँ जब दुनिया समझती है शांत है ये बच्चा. मैं खुद से कितनी बातें करता हूँ इस पर. अभी जैसे मैंने बताया काउंटिंग करना शुरू करें. ऑक्सीजन की स्पीड से और कार्बन डाइऑक्साइड की स्पीड से अपनी काउंटिंग की स्पीड को मैच करने का प्रयास करें. नज़र ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की स्पीड के ऊपर. फॉरगेट ईच एंड एवरीथिंग, जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन द स्पीड ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. थोड़ा सा भी विचार काउंटिंग को बंद कर देगा. अभी हम अपने आयनों को चेक कर रहे हैं कि वो स्ट्रेट हैं या बिखरे हुए हैं. अगर 20 तक काउंटिंग बिना रुके एक ही बार में होती है तो हमारे अंदर मैग्नेटिक वैल्यू ज़्यादा है. अगर काउंटिंग बीच में बंद हो रही है तो डरने की कोई बात नहीं है, मोबाइल फोन से दूरी बनाने का समय आ चुका है. नजर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की स्पीड के ऊपर. ट्राई टू फॉरगेट ईच एंड एवरीथिंग एंड फोकस ऑन द स्पीड ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. 20 तक काउंटिंग के बाद भी आंखों को नहीं खोलें. अंटिल आई से यू टू ओपन योर आईज, डोंट ओपन योर आईज. Keep on counting. Start again. शरीर में थोड़ा सा भी मूवमेंट इस बात का सबूत है कि आपके मन में विचार आ चुका है. नजर अभी भी ऑक्सीजन और जाते भी कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर. Try to forget each and everything. Focus on the speed of oxygen and carbon dioxide. अपनी आंखों को खोल लें और एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा लें. बहुत अच्छे से किया. उसने बताया कि स्पीड से करता है. ये आर्टिकल मैंने 2016 में टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा था. 2017 में विद्या मंदिर क्लासेस पटना सेंटर और दिल्ली के सेंटर के साथ मिलकर एक स्टडी किया और पता करने की कोशिश की कि आखिर किन चीज़ों को ब्रेन डिलीट करता है. एक फॉर्मूला बनाया आयुषी अंजलि, एक फॉर्मूला बनाया, उस फॉर्मूला को नाम दिया आईसीयू प्रिंसिपल ऑफ मेमोरी. क्या नाम दिया? आईसीयू प्रिंसिपल ऑफ मेमोरी. आई का मतलब है इंटरेस्ट. क्या मतलब है? इंटरेस्ट वाली चीज़ों से दिमाग की
हिम्मत नहीं होती कि हाथ लगा दे। इसलिए याद करने की जरूरत नहीं होती और वो सालों साल तक संभाल के रखता है। सी का मतलब होता है कनेक्ट। क्या मतलब होता है? कनेक्ट। जैसे माहौल में आप रहते हैं, जिन सब्जेक्ट को आप बार बार टच करते हैं, रिवाइज करते हैं, जिस सब्जेक्ट के टीचर से आप बार बार डाउट लेते रहते हैं, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट को ब्रेन की हिम्मत नहीं होती कि हाथ लगा। समझ में आया ना? मेरी बात आई सी। यू का मतलब है यूटिलिटी। क्या मतलब है? यूटिलिटी वाली चीजों को ब्रेन हाथ नहीं लगाता। आई और सी तो समझ में आता है, यू थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मानिए कि मैम मेरे इंट्रोडक्शन में केवल एक लाइन और ऐड कर देते, वो लाइन इतनी कमाल की होती कि 50% आपका रिटेंशन बढ़ जाता। वो लाइन क्या होती? आचार्य भवन को CBSE की तरफ से भेजा गया है और आचार्य भवन आज जो भी आपको बताएंगे, आपके एनुअल इंग्लिश के एग्जाम में 10 नंबर के क्वेश्चन आचार्य भवन की बातों से रिलेटेड आएंगे। फिर देखते पीटर 4 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि ब्रेन को लगता कि इस कंटेंट की फ्यूचर में जरूरत है। हमारी टीम ने रिसर्च करके बहुत कोशिश की कि आपके इंटरेस्ट बढ़ाने के ऊपर काम करें, सफलता नहीं मिली। हमारी टीम ने बहुत कोशिश की कंटेंट बढ़ाने के ऊपर काम करें, सफलता नहीं मिली। यूटिलिटी के लिए एक फॉर्मूला बनाया, उसमें सफलता मिली, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप सभी को एक डायरी देने वाले हैं जिसका नाम है ब्रेन डायरी। क्या नाम है? 21 खाली पेज है इसमें। कितने खाली पेज है? मतलब आपको 21 दिनों तक इस डायरी को भरना है। इस डायरी का नाम है ब्रेन डायरी। क्या नाम है? इसकी पंचलाइन है इस डायरी की, खाता पढ़ाई का खाता। क्या नाम है? पढ़ाई का खाता। क्या करना है? जैसे एक दुकानदार दुकान को बढ़ाते समय अपनी दुकान में आने वाले हर इनपुट को लिखता है, वैसे ही मैं अपने दिमाग की दुकान में पढ़ाई से रिलेटेड आने वाले इनपुट्स को, पूरे दिन के इनपुट्स को इसमें लिखकर सोऊंगा। 2 से 3 मिनट लगते हैं। रात में सोने से पहले इसे उठाया और अपनी पढ़ाई का खाता बनाया और लिखा। चलिए अभी मैं किसी बच्चे का बनाता हूँ, विश्वजीत के बाजू वाला बैठी बनाता हूँ आपका। हाँ, क्या नाम है आपका? राजेश। ओके राजेश, आपका खाता आज का मैं बनाता हूँ। क्या राजेश, आज सुबह 6 बजे आपने किसी किताब को हाथ लगाया था, 6 बजे या उससे पहले? नहीं। तो राजेश यहाँ पर तो डेट लिख देना है, आज का 20 अक्टूबर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, राजेश मैंने क्रॉस कर दिया है, ठीक है, क्योंकि कुछ इनपुट नहीं था। 6 से 7 के बीच में किसी किताब को हाथ लगाया था? नहीं लगाया था। राजेश यहाँ पर भी क्रॉस कर दिया मैंने, 6 से 7 के बीच में भी कोई इनपुट नहीं था। 7 से 8 के बीच में राजेश? नहीं था, क्रॉस कर दिया राजेश। 8 से 9 स्कूल आ गए हो, कोई इनपुट नहीं है, क्रॉस कर दिया राजेश। ऐसे ही पूरे 21 दिनों तक ये डायरी बनानी है, रात में सोने से पहले। अब तो लगाओगे स्कूल में जाके, अभी क्लास स्टार्ट होगी तो लगाना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी। और कभी कभी ऐसे इस डायरी से बात भी कर लिया करो, मुझे इंजीनियर बनना है, बिल्कुल बनूंगा, इतने क्रॉस लगाऊंगा तो बनकर ही रहूंगा। कभी कभी इससे बात कर लिया करो राजेश। लेकिन राजेश इसका एक कमाल काम भी है, 21 दिन तक ये डायरी बनानी है। राजेश एक बात बताओ, अगर पहले दिन मैं आपको खाने के बाद मिठाई दूं, दूसरे दिन खाने के बाद मिठाई, तीसरे दिन खाने के बाद मिठाई, 21 दिनों तक मैं ऐसा करूं, तो 22वें दिन अगर मैं आपके सामने खाने की थाली रखूंगा तो आपके दिमाग में किस चीज का ख्याल आएगा? मिठाई का। इसको बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। क्या बोलते हैं? इसी सिद्धांत के ऊपर ये डायरी काम करती है। राजेश अगर पहले दिन पढ़ाई की डायरी में लिखा, दूसरे दिन पढ़ाई की डायरी में लिखा, तीसरे दिन पढ़ाई की डायरी में लिखा, 22वें दिन थेल्स की थ्योरम का इनपुट ब्रेन को दिया, ब्रेन ट्रीट करने के लिए भाग रहा है, लेकिन उसे लगता है नहीं नहीं ये खाता बुक में लिखेगा कि 6 से 7 बजे के बीच में क्या पढ़ा था, मतलब फ्यूचर में इस कंटेंट की जरूरत है, बस एक चीज मैच करानी है, या आई मैच कराओ, या सी मैच कराओ, या फिर यू। तो यही आपका आता है।
तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आपने इतने अच्छे ढंग से बच्चों को पढ़ाई के बारे में, संस्कार के बारे में और सेवा के बारे में, और डीएवी भी हमारा ये तीन चीज़ पर ही चलता है, शिक्षा, सेवा और संस्कार, जो कि आपने अपने स्टोरी के माध्यम से बच्चों को मोटिवेट किया। और हम समझते हैं अब आप यहाँ से कितना ले जा कर के इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, कोई भी चीज़ आप सीखते हैं लेकिन उसमें कितना इम्प्लीमेंटेशन हो पाता है, ये अब आपका पार्ट है। तो हमने अभी सर के पास जाकर के यही रिक्वेस्ट किया है कि ये तो हमारे सिर्फ क्लास 10th के ही बच्चे बेनिफिटेड हुए, तो क्यों ना ये प्रोग्राम क्लास 6 से लेकर के 12th तक के बच्चों का एक बार फिर से नवंबर में हो, वो हम लोग डेट डिसाइड कर ले रहे हैं। तो क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वेरी गुड। और यहाँ पर एक छोटा सा एक सॉल दे करके हम सर को आप लोगों की तरफ से सम्मानित करना चाहेंगे। ये सम्मान सर का नहीं, हम लोगों का होगा उनको सम्मानित करते समय। सर प्लीज़।